नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। समर्थ सहारा न्यूज में हम वो खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको सीधा जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। उड़ीसा से गांजा तस्कर का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गैसाबाद थाना क्षेत्र के खेरी गांव में गांजा तस्कर आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों और उनके परिजनों ने हमला कर दिया। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और बंधक बनाने का पूरा प्रयास किया गया। भीड़ से जान बचाकर भागे दो अन्य पुलिसकर्मियों की सूचना पर हटा मडिया दो गैसाबाद सहित कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मडिया दो थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। जी सर, थाना कोतवाली पुलिस को देवेन चौरसी आरोपी है उधर एनडीपीएस एक्ट में, तो उसकी तलाश में आए थे। उनको एक कार कट मारने के लिए जिसका पीछा करते हुए आए, तो वो कचनारी के पास में उन्होंने उसको रोका और उससे जब पूछताछ की तो उसमें तीन व्यक्ति थे, उड़ीसा के थे, एक सोमनाथ पटनायक, हीटू साहू और गोपारंजन पटनायक। और जिनसे पूछताछ की, उनके पास में तीन पैकेट निकले गए बैग में और थैली में। उनको जब देखा तो उसमें गांजे जैसी गंध आ रही थी, और जब पूछताछ की उन्होंने तो उन्होंने बताया कि उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं और सप्लाई करते हैं, और 10 किलो गांजा खैरी गांव है उसके श्यामलाल पटेल को बेच के आए हैं, जिसमें 65,000 रुपये मिली है। 65,000 रुपये उनके पास मिले थे, तीन पैकेट में गांजा मिला था और सेंटो कार से थे ये लोग। जब इससे पूछताछ करने के लिए श्यामलाल पटेल के पास गए और उसको पूछताछ के लिए उसको बुलाया, पकड़ा, तो उसके परिवारजन, उसकी पत्नी, लड़के, बहू, भाई आदि ने इन पर हमला कर दिया और डंडा लाठियों से मारपीट की, जिसमें कि झड़प में फिर ये लोग भाग गए। फिर पुलिस जो है तीनों उड़ीसा के जो गांजा लेके आए थे बेचने, उनको पकड़ के थाने पर लाई और उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि उक्त तीनों आरोपी को आरोप बनाया गया है और 353 में शास्त्रकार बाधा डालने 353 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें श्यामलाल पटेल और उसकी पत्नी, लड़का, बहू और भाई आदि आरोपी है, जो कि अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उड़ीसा से गांजे के खेप दमोह ला रहे कुछ आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके विरोध में आरोपियों को जब पता चला और आरोपियों के पास पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने पहले से ही साजिश बनाकर, रंजिश बनाकर पुलिस पर हमला बोल दिया। वहीं इस संज्ञान के मामले में उड़ीसा पुलिस को पूरी तरह के संज्ञान मिल चुका है। उड़ीसा पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो